ओके सो वेलकम 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 एवरीवन, सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में, स्ट्रेस फ्री इंडिया, तनाव मुक्त भारत अभियान, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। और सभी को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो चालू रखें ताकि हम आपको एक दूसरे को पहचान सके। वेलकम प्रवीण वर्मा जी, वेलकम सुषमा वाघ, वेलकम विजय गोहिल, यस। और इधर कितने लोग हैं? चैट चालू नहीं है इधर? हाँ लाइव चैट, यस। कुमार शिवा, प्रभात त्यागी, प्रकाश शिंदे, वेलकम, यस। रमेश लड्डा जी, विजय गोहिल, अजय कोहली, बहादुर नेताम, अभिषेक जैट जाट, वेलकम, यस। तो हमारे परसों के लोग कितने यहाँ आज है, जो लीडर्स जिन्होंने बोला था कि हम लीडर बनने को तैयार है, उसमें से कितने लोग यहाँ आज है? लिस्ट करना टीचर ले बहाना। और वो लोगों ने सबने वीडियो चालू रखना चाहिए ना, हैंड रेस करो। जो भी लीडर्स है हमारे, जो हमने बोला स्ट्रेस फ्री लीडर्स करके जो हम काम करने वाले हैं, उन्होंने हाथ ऊपर करो ताकि हम पता चले जाएगा, या फिर वीडियो चालू करो ताकि पता चल जाएगा कि वो है। यस राजेश सिंह, नमस्ते जी। प्रवीण वर्मा, यस। नवीन भाटिया, यस। अजय कोड़ी, यस वेलकम। और ये किसका है? V2029 लिखा हुआ है, V2029, पता नहीं किसका है, नाम नहीं लिखा हुआ है। प्रणाम, यस। तो स्ट्रेस फ्री इंडिया मूवमेंट जो है, तनाव मुक्त भारत अभियान, इसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और इसमें हमारा मकसद यही है कि लोग परिस्थिति कैसी भी हो, तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। और हम शनिवार को ये प्रोग्राम लेंगे, हर शनिवार को, है ना? और शनिवार को 8:15 बजे प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम कितना चलाना है वो आपके ऊपर है, 1 घंटे का रहेगा, कम चलाना है कि ज्यादा चलाना है आपके ऊपर है। और गुरुवार को जो लोग लीडर्स है, वो लोग गुरुवार को हम इसमें बुलाते हैं कि भाई लीडरशिप जिनको करना है, जिनको असिस्टिंग करना है, जिनको कुछ योगदान देना है, तो हमने उनकी मीटिंग गुरुवार को लिया था और वो गुरुवार को आए थे, उनको हमने ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, ठीक है? तो गुरुवार को वो आए थे, गुरुवार को 8:15 से 9:15 उनका हमने एक क्लास लिया था। तो इसमें किसको कुछ बोलना है पहले तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मौका देता हूं, जिनके हाथ ऊपर है उनको मौका दूंगा बात करने का। लोकेश जामरा जी है, बोलो लोकेश जामरा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। लोकेश जामरा, आपको प्रॉम्प्ट भेजा है, लोकेश अनम्यूट करो। और विनोद यादव, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और इधर मयंक बढ़े का अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ दीपक सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते, बोला। दीपक सर, मेरे को पूछना था कि आपका एक्चुअली वीडियो चालू करो ना, वीडियो। वीडियो मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है, 1 मिनट। अभी देख पा हाँ रहे हो अभी सर? चालू हो गया, चालू हो गया अभी। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मेरा को अभी 1.5 महीने पहले शुगर हुआ, तो एक्चुअली मेरा एज है 30 साल, 29। तो उस शुगर के चलते मैं काफी स्ट्रेस, एकदम डिप्रेस फील करता हूँ। मेरे को बार बार वो टेंशन आता है, मेडिसिन चालू है लेकिन फिर भी वो मतलब दिमाग से वो जाता नहीं है। तो बॉडी में वाइब्रेशन होना, वही नेगेटिव सोच कि मैं सोचता हूँ कि इतने छोटी उम्र में कैसे हुआ। हालांकि पहले मेरे को, मैंने केयरलेस, मतलब थोड़ा केयरलेस पना दिखाया अपने में, मतलब बाहर का ज्यादा खाता था, मीठा अनलिमिटेड कंट्रोल, मेरा वेट भी ओवर वेट हो गया था। अभी थोड़ा कम हुआ है, 100 के आसपास मेरा वेट हो गया था। और अभी
5 किलो कम हुआ है 1.5 महीने से, तो कुछ बता सकते हो सर? बहुत एकदम लो फील होता है, एकदम कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्या है कि ऐसे ऐसा कुछ से भी हो गया कि एकदम अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पहली रिएक्शन आती है कि वाई मी, मैं क्यों, मुझे क्यों ऐसा हुआ भाई, वाई मी, है ना, जी सर, ऐसा लगा ना आपको, अरे मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा जी है, सर, भगवान मैंने बराबर ऐसा क्या बिगाड़ा, मुझे ऐसा कर लिया, बराबर है। बराबर सर, हाँ, मगर आप भगवान को वो भी पूछो वाई मी, हाँ, तो वाई मी के इसमें और पूछना है वाई नॉट मी, जिसको दोनों आंखें नहीं है, तो ना रे वाई नॉट मी, मुझे भी क्यों आपके लिए आपने मुझे क्यों अन्ना नहीं किया भगवान, वाई नॉट मी, बराबर है सर, मुझे हाथ दिया, बहुत लोगों को हाथ नहीं पैर नहीं है, बहुत लोगों को कान नहीं सुने नहीं आता है, वाई नॉट मी, मुझे क्यों चुना भगवान तूने, मुझे क्यों आंखें दे दिया, उसको क्यों चुना, तो ऐसा होता नहीं ना। हम क्या करते हैं कि जो नहीं है उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, और वो फोकस करते करते उसमें बहुत दुखी हो जाते हैं, मगर जो अच्छा है आपके पास जी में सर, उसके ऊपर पहले फोकस करो कि भगवान ने आपको वो अच्छा दिया हुआ है बहुत सारा, और पता लगेगा कि अरे इतना सब सारा अच्छा दिया हुआ है, अपन तो रोते रहे कि ये अच्छा नहीं है, बराबर के सर, पास में अच्छी बॉडी है, अच्छी, अच्छा, बाकी अच्छी सेहत दी हुई है, तो ठीक है यार, किसी को आंखें नहीं रहती है, किसी को हाथ नहीं रहते, किसको पैर नहीं रहते, किसको बोलते नहीं आता है, किसको ब्लड प्रेशर रहता है, किसको कुछ रहता है ना, तो बराबर सर, बराबर ठीक है, अपने को ये नहीं है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हो सकता है कि नहीं है, आपको डायबिटीज हो गया जी, है ना, मगर अपना मन तो परफेक्ट हो सकता है कि चलो भाई वो परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपन तभी भी बैलेंस्ड है, सही बात है सर, पॉजिटिव तभी सोचना, बैलेंस्ड है, मतलब हाँ आपका मतलब, तभी बैलेंस्ड है, चलो ठीक है, ऐसा हुआ तो इसमें अपन दवाई ले सकते हैं, दवाई लेके कंट्रोल ला सकते हैं, और जो गलतियां किया वो गलतियों को अपन दूर कर सकते हैं, जी गलतियों को दूर कर सकते हैं, जैसा जंक फूड खाया होगा, बहुत ज्यादा का खाया होगा, गलत गलत कोई व्यसन है क्या आपको मालूम नहीं, व्यसन नहीं, होंगे अभी तो व्यसन, व्यसन तो नहीं है सर, ये एक्चुअली कोरोना की वजह से 1.5-2 साल से घर पे ही था, तो हाँ एकदम बॉडी एकदम इनएक्टिव था, मतलब इनएक्टिव उठ था, के। हाँ तो ठीक है, अभी करो एक्टिव, अभी एक्सरसाइज करो, सब करो, फायदा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जी है सर, जी, ना। तो आज हम बात करने वाले हैं थैंक यू कि, सर, हाँ यस, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्री लाइफ में, कि कौन से लोग आपको धोखा देते हैं, कौन से लोग आपको धोखा दे सकते हैं, और उसमें फिर आपकी संतुष्टि निकल सकती है, आपको दुख आ सकता है, आपको टेंशन आ सकता है, तो वो लोगों से अपने दूर रहना चाहिए। तो कौन से लोग हैं, देखो लोगों को परखना पड़ता है, अच्छे लोग जल्दी मिलते नहीं, ऐसा हम बोलते हैं, सोना जो है सोना, वो सोना बहुत रगड़ना पड़ता है, सोना परखना पड़ता है, और आप बहुत सोना रगड़ के परख के आग में डाल के उसको देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है, सब हथौड़ी से ठोकते हैं उसको, मालूम पड़ता है कि नहीं है सोना है खरा है, वैसे ही व्यक्तियों का है, उनको देखना पड़ेगा, जो जो व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति कि जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं, वो अपने को अपने से अपने दूर रखना चाहिए, जो व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमाते वो व्यक्ति को कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। अब गलत काम कौन सा हो सकता है, गलत काम जो है कि जो समाज विघातक काम है, समाज विघातक है वो काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन से काम आ सकते हैं कि जो समाज के पूरक नहीं है तभी भी वो काम कर रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन वो है कि समझो शराब बेचने वाला फॉर एग्जाम्पल है ना, शराब जो बेचता है तो वो समाज विघातक काम कर रहा है एक्चुअली, दूसरा झूठे काम करने वाला है, समझो आपको किसी के साथ में कोई रिश्ता करना है और मालूम है कि ये नंबर दो के काम करता है, चोरी चपाटी करेगा, लांडी लबाड़ी करेगा, धंधे पानी में लोगों को डुबाएगा, मतलब ये आदमी ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार करेगा, तो ऐसे मालूम है आपको, तो ये व्यक्तियों के
मतलब जो व्यक्ति अच्छे मार्ग से पैसा कमाते नहीं है वो व्यक्तियों से हमने दूर रहना चाहिए, उनसे रिश्ता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जो है वो अच्छे मार्ग से पैसा कमाते हैं, ऑनेस्टी से पैसा कमाते हैं, वो व्यक्ति से ही करना चाहिए। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने और एक बिजनेसमैन को अप्रोच किया था पार्टनरशिप के लिए और दोनों मिलके बहुत बड़ा बिजनेस चालू करने करने वाले थे। 5-5 करोड़ का बिजनेस, मतलब 5 करोड़ ये डालने वाला था, 5 करोड़ वो डालने वाला था, और उनका काफी मतलब काफी हद तक उनका प्लानिंग हुआ था वे बिजनेस चालू करना है। तो जैसे अभी फाइनल मीटिंग हो रही है तो वो बोले चलो हम खाना खाने जाएंगे, बैठेंगे खाना खाएंगे और फाइनल बात कर लेंगे। जब वो खाना खाने होटल में गए, काफी समय तक मतलब शराब भी पिया, नॉनवेज खाया, वेज खाया, जो भी खाया वो, और उसने जो दूसरा जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति बिजनेस के लिए अप्रोच हुआ था, वो व्यक्ति ने क्या किया कि वो वेटर को बोले बेटा जरा बराबर बिल लाना, और उसको 50 के नोट दे दिए। पहली है ना, 50 के नोट दिया और बोले बेटा जरा बराबर बिल ला। तो उसको लगा कि देखो मेरा इंप्रेशन पड़ जाएगा, देखो मैं कितना चालाक हूं, कितना अच्छा बिजनेस कर सकता हूं। तो उसने बराबर वेटर ने बिल कम ला लिया, मतलब उनका समझो 3-1 हजार का बिल होने वाला था, वो 1-1.5 हजार में उनका काम हो गया, 50 रुपये उसने वेटर को दे दिए। तो ये देख के जो पहला वाला जो बिजनेसमैन था उसने वो बिजनेस के लिए मना कर दिया, बात बोले मैं इससे बिजनेस नहीं करूंगा, ये व्यक्ति कब धोखा देगा, कब क्या करेगा मालूम नहीं। तो ऐसे लोगों से हमने दूर रहना चाहिए, इनसे पार्टनरशिप करना, इनसे रिश्ते करना, पता नहीं क्या होगा। तो ये नंबर 1। नंबर 2 जो है वह है कि उनका कैरेक्टर देखो, इनके साथ में आप रहते हैं या रिश्ता बनाने वाले हैं या आपके आसपास के हैं, उनका कैरेक्टर देखो। तो कैरेक्टर जो है उनका मतलब जो मॉरल जो है, मेरा ऑडियो ब्रेक हो रहा है बार बार, मेरा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, नहीं ना, अच्छा इसने लिखा है कि ऑडियो ब्रेक हो रहा है। तो चरित्र देखो, चरित्र मतलब कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर यदि उनका अच्छा है तो कैरेक्टर कैसे मालूम पड़ता है, कैरेक्टर जो है वो हमको इधर उधर से निकालनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, वो थोड़ी बोलेंगे मेरा कैरेक्टर खराब है। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाए तभी जो देता है सर्टिफिकेट वो अच्छा ही देता है, बोलता मैं क्यों बुरापन लूं, देने के समय वो अच्छा सर्टिफिकेट देता है, तो वो भी काम का नहीं है। उसका कैरेक्टर देखना है कि भाई मॉरल वैल्यूज जो है, मॉरल वैल्यूज उसमें इसका कैरेक्टर ठीक है कि नहीं है, तो वो आपको देखना है। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, हम क्या करते हैं कि हम जब लोन देते हैं बैंक, जैसा मैंने शेयर किया कि मैं बैंक का चेयरमैन भी हूँ, फाउंडर डायरेक्टर हूँ, फाउंडर चेयरमैन, हम बैंक का लोन देते हैं तो हम उसके घर के तरफ जाके उसके बाजू वाले को पूछते हैं कि आदमी कैसा है, या उसके आसपास जो पान पट्टी रहती है, पान वाला दुकानदार, उसको पूछते हैं कि भाई इसका चरित्र कैसा है, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा मालूम रहता है, पान वाला, किराने वाला, आजू बाजू में रहने वाले, या उसका पड़ोसी जो है वो, तो वो आपको बराबर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। या वो कहीं काम करता है तो वहां जाके पूछना है कि भाई वो कैसा व्यक्ति है, तो हमको इन्फॉर्मेशन वहां से बराबर मिल सकती है। तो हमने वो देखना है कि उसका चरित्र कैसा है, वो चरित्र हमको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि वो व्यक्ति का चरित्र कैसा है। ये मैं यहां रुकता हूं, आपको इसमें कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करके बोलने का मौका देता हूं। तो किसको बोलना है, तो पूछना है तो पूछो, शेयर करना है तो शेयर करो। यस, किशन फ्रॉम अहमदाबाद, बोलिए किशन जी। हाँ जी, अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट करो किशन, अनम्यूट करो, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही किशन जी। हाँ जी अभी बोलो।
सर, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। हाँ आपने जो दूसरा कहा ना कि मॉरल वैल्यू देखनी है, तो मेरा सवाल ये था कि अगर हम उसके आजू बाजू या नियरेस्ट लोगों को पूछेंगे तो वो तो लोग अपने हिसाब से जैसे उन्होंने व्यक्ति को जज किया वैसे ही बताएंगे ना। और अभी तो पता है कि ज्यादातर लोग दूसरे के बारे में है, पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, तो उस नेगेटिव नेगेटिव बोलने दो, हुँ. नेगेटिव बोलने दो, नेगेटिव क्या बोल देंगे? वो एटीट्यूड ठीक नहीं है दूसरों से मतलब बात क्या है, मतलब क्या करता भाई ये? पैसों के बारे में नहीं देता, या तो फिर वो ठीक हाँ से कार पार्किंग नहीं करता, या तो जो उनको साथ तकलीफ झगड़ा होगी वही। झगड़ा लो है भाई, समझो मतलब बहुत झगड़ा करता है, हाँ तो फिर झगड़ा लो व्यक्ति से। अपन ने क्यों मतलब अपने सब संभाल के रहना चाहिए ना, कि भाई छोटी छोटी बात के ऊपर, कार पार्किंग के ऊपर ये झगड़ा करेगा, या कोई पैसे का व्यवहार ठीक नहीं है इसका, है ना? तो वो बता रहा है कि भाई इसका बराबर व्यवहार नहीं है, तो फिर अपने को इन्फॉर्मेशन तो मिली, तो उसके हाँ बाद में आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ गई कि ऐसी है, ऐसी कंडीशन है भाई, हाँ वो तो है ना, फिर आपकी मर्जी है आगे जाना कि नहीं जाना असेसमेंट करके। बहुत बार तो लड़की देते हैं या लड़की करते हैं तो लोग पूछते नहीं है, बिना पूछे बिना समझे बिना सोचे फटाफट व्यवहार करते, शादी भी कर डालते, बाद में मालूम पड़ता, अरे इसका तो पहले लफड़ा था, ये तो इसको तो करना ही नहीं था, और 8 दिन में ब्याह टूट जाता है, 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में लड़की वापस, पूछते भी नहीं, इतना जल्दी कर ले। सर, तो ये चीज तो हर एक जगह पर इम्प्लीमेंट करें ना, दोस्त बनाते समय, रिश्तेदार के साथ, या सभी जगह इम्प्लीमेंट यस करना। यस, सभी जगह इंप्लीमेंट करनी होगी, नहीं तो बात। थैंक यू सर। थैंक यू, यस सुनीता जी बोल रही है, सही है, यस। प्रवीण जी बोलो। हाँ जी प्रवीण वर्मा जी, हेलो सर। यस। हाँ जी सर, पर जैसा आपने बताया कि भाई जो आदमी कौन से लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो सर वो तो धोखा देने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कि भाई इसने धोखा दिया, तभी तो आंखें खुलेंगे ना। नहीं पहले तो क्या जज कर लेंगे अपन? पहले माहिती निकालेंगे तो अपन संभाल के करेंगे ना काम। नहीं सर, अभी एक हमारा जैसे कोई परिचित का ऐसा व्यवहार हुआ कि लड़का बहुत उच्च शिक्षित, लड़की भी बहुत उच्च शिक्षित, उनकी शादी भी हो गई, सब उनका मिला लिया उन्होंने, और सब शादी भी हो गई, और शादी के बाद मालूम पड़ा कि लड़की 6 साल बड़ी थी, और उन्होंने ये छुपाया, सामने वाले पार्टी ने ये छुपाया भाई 6 साल बड़ी लड़की, तो वो लड़का क्लियर कट बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डाइवोर्स चाहिए अब, ऐसा उसने बोला। उनकी अभी केस चल रही है, वो शायद डाइवोर्स हो जाएगा। तो सर इसमें फिर ये जैसे अब सामने वाले की गलती है ना कि भाई उसने छुपा के एज छुपा के, हालांकि हाईली एजुकेटेड है दोनों भी, तो बराबर है ना, उसने तो वो तो लोग तो करेंगे, आपने अपनी क्या गलती हुई अपने को देखना पड़ेगा ना, कि आपने क्या गलती किया, नहीं, अपन ने क्या गलती किया भाई। नहीं अब उन्होंने तो सर्टिफिकेट वगैरह ऐसे नकली सर्टिफिकेट बता दिया कि जो एजुकेटेड है तो और वही, तो फिर हाँ तो एजुकेटेड। फिर है ना, मालूम है ना भाई, अपन आजू बाजू जब लड़की का सवाल है, जब जिंदगी भर के लिए लड़की ला रहे हैं, तो अच्छी माहिती निकालना बहुत जरूरी है ना। जब समझो बिल्कुल सही लड़का बात लड़की, है। आजकल तो क्या लड़का लड़की 1 बार 2 बार 3 बार मिलते हैं, वो मिलने में मालूम पड़ जाता है, तो भाई समझो उसने बोला कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बराबर। समझो भी डॉक्टर है, तो हम पूछते हैं कि भाई कौन से साल की डॉक्टर है, तुम्हारे बैचमेट कहाँ है, कौन से बैचमेट है ना, कहीं तो पहचान निकाली जाती ना। ये तो देखो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, अभी मेरे मुझे मेरे यहाँ सब इंडिया भर के पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट भी आते हैं ना, तो वो ऐसे वैसे नहीं आते, वो कहीं ना कहीं माहिती निकालेंगे डॉक्टर कैसा है ना, और वो आते हैं, वैसे नहीं आते लोग, वो कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र का, समझो भी बिहार का भी मेरे पास में एक पेशेंट है, अब बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र का कहीं ना कहीं वो माहिती निकाल लेता है, तो बॉम्बे का कोई, नथकुना का कोई उसका पहचान का आया हुआ है, फिर वो बोलता तू पूछ ले अकोला में कोई है क्या, तो नहीं तो जाएंगे फंस जाएंगे भाई, डॉक्टर कैसा मालूम है, बिहार का आदमी आ रहा है अकोले में तो ऐसा नहीं आता, वो पूछ के आता है, देखता है गूगल पे रेटिंग कितना है क्या है, सब पूछ पाछ के आते, लोग ऐसे नहीं आते अभी आजकल, तो हुशियार हो गए बहुत, बराबर। है क्या? तो गलती अपनी है कि अपन ने वो पूछा नहीं आजकल, तो मतलब मेरा तो पूछा नहीं ये है, सही, हाँ मेरा तो ये है कि भाई आपका गायनिक सर्टिफिकेट लाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से, और अभी बिल्कुल ये बराबर। मांगे तो लोग बहुत ये करेंगे, और लड़के का सेक्सोलॉजी सर्टिफिकेट लाना चाहिए कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या, भाई वो सर्टिफिकेट लाओ, नहीं तो बाद में कितने प्रॉब्लम, कितने सही बात है। प्रॉब्लम आते हैं।
अभी हमारे पास में तो मेरे तो रोज के प्रॉब्लम है, मुझे मेरे सामने पेशेंट आते रोज के है। बाद में मालूम पड़ता है एक साल हो गया शादी करके अभी तक बहन भाई जैसे रह रहे, एक साल हो गया शादी करके, क्यों? बोले इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। अरे फिर शादी क्यों किया? बोला नहीं। तपास लेना जी भाई, है ना? तो जिंदगी लड़की की खराब हो गई पूरी। यस नैना बोलिए जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे कुछ बोलना था। आपने जो कहा कि जो लोग नेगेटिव बात करते हैं या फिर तो उन्हें हमें कैसे पहचानना है, तो सर मैं तो मीन्स मॉर्निंग में जब मैंने आपको एक दिन शेयर किया था कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बात मैंने मेरी एक पड़ोसन के साथ शेयर की। और फिर इवनिंग में क्या हुआ सर, जो रंगोली कंपटीशन रखा गया था मेरे सोसाइटी में, तो मैं शाम को अपना रंगोली निकालने के लिए बैठ गई हूँ। तो अब मॉर्निंग में जो बात मैंने अड़ोसी पड़ोसी को बोला था कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा इमोशनल हो गई, तो वो दूसरी लेडी मेरे पास आके बोलती है कि वो जो पहली वाली ना उसको बोली कि इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी इसको तो कॉम्पिटिशन की पड़ी है। मॉर्निंग में तो बहुत इमोशनल हो रही थी, अभी वापस लग गई है मतलब रंगोली निकालने में, ये सब ऐसा ऐसा मेरे बारे में पूरा नेगेटिव बता रही थी। तो मैंने बोला ठीक है ना, उसने मेरे बारे में आपको बोल दिया। When she was telling you about me very wrong things, so why she is so much comfortable with you to telling about me? वो इतनी कंफर्टेबल क्यों थी कि तुम्हारे पास ही मेरी गॉसिपिंग कर रही, क्योंकि एक हाथ से तो टाली नहीं बजती। तुमने भी हाँ 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 ऐसा तो किया ही होगा ना, मतलब मीन्स इसने भी सपोर्ट किया है उसको जब वो लोग बात कर रहे थे, तो तभी उसने मेरे बारे में इससे, तो आज मैं इससे बात करूंगी मेरे बारे में बोलूंगी, तो मैं अभी यहाँ पे मुझे समझ जाना चाहिए कि वो बात इधर की उधर की इधर कर सकती है। वो उसकी फ्रेंड है फिर भी उसने बोला हुआ, वो मेरे पास आके बोलने लगी, तो फिर मैं अगर इससे कुछ भी बात शेयर करूँ तो क्या प्रूफ है कि वो मेरी बात दूसरे के पास जाके नहीं बोलेगी? तो वहां पे मैंने उसको नोटिस किया और समझ गई कि अभी इसके साथ अपने को कोई भी बात शेयर नहीं करनी। तो सर ये ऐसे छोटे छोटे जो कुछ भी होता है एक्सपीरियंस आते हैं उससे हमको थोड़ा, मैं तो अबंडेंस की मेंबर हूँ तो मुझे तो अभी मतलब समझ जाता है कि कौन कैसे क्या करना है। तो वो तो आपसे ये समझ के चलो आप कि आप जो लोगों के साथ में बातचीत करते हैं तो वो व्यक्ति का और आपका कुछ ये है क्या बोलते कुछ ऐसे आपने बॉन्डिंग किया हुआ है क्या, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन किया गया कि मैं आपके साथ में बोलूंगी तो बाहर बोलने का नहीं, ऐसा कुछ आपने तो किया नहीं है ना एग्रीमेंट? नहीं नहीं, है ना, आपने तो उसको बोल दिया, तो नेचुरल हाँ। स्वभाव यह है कि आपने आप जो भी जिसको जिसी को कुछ भी आप बोलते हैं आप समझ के चलो कि वो उसमें मिर्च मसाला डाल के उसको जो समझ में आया वो डाल के सब करके अच्छा उसको तड़का भिड़का मार के सामने वाले को बताने वाला है, बता देते राइट सर, है ना? यस, वो करने वाला ही है, ये समझ के चलो आप, वो होने वाला ही है क्योंकि आपका उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई मैं आपको जो बताऊंगी ना किसको बोलने का नहीं, ये आपके पास में रहेगा और मैं तुझे बोलेंगे वो मेरे पास में रहेगा और अपन दूसरे के दोस्त है और ये बाहर नहीं आए। तभी भी अब तीसरा पॉइंट में बता रहा हूं, तभी भी आपके सीक्रेट्स जो है आपके सीक्रेट्स वो लोगों को मत बोलो, क्योंकि आज आपका जो बहुत फास्ट फ्रेंड है वो कल आपका कुछ भी हालत में दुश्मन बन सकता है, उसकी आपकी बच सकती है और उसकी आपकी बच गई तो फिर वो आपकी बजाएगा। Sure. तो आपकी सीक्रेट जो है वो कभी किसी को बोलना नहीं है, सीक्रेट अपने पास में रखना है, कितना भी नजदीक का रहा कितना भी कुछ भी रहा तभी भी, क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या होगा। अभी मैं पिछले बार भी कहीं तो भी शेयर किया है कि मेरे पास में एक अभी हस्बैंड वाइफ है, वो वाइफ जो है ना उसके ऊपर इतना डाउट कर रही हस्बैंड के ऊपर, वो बोले मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 महीने हो गए शादी को, रोज के झगड़े चालू। मतलब ये चालू कहां से हुआ?
तो क्या होता है कि शुरू शुरू में शादी होने के बाद में बहुत प्यार प्यार में रहता है, पहले कुछ दिन हनीमून इधर उधर, फिर तेरा कहाँ था, कुछ था क्या तेरा, वगैरह वगैरह प्यार में पूछते रहते हैं, बोलता हाँ मेरा था, बोलता मेरी थी, ऐसा चालू। और उसमें उसने बोल दिया हाँ मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी लगती थी, मगर उसके साथ में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अच्छी दोस्त थी मेरी, ऐसा उसने बोल दिया, बस उसका दिमाग तड़क गया। और तब से उसका जो चालू हो गया उसके ऊपर अविश्वास करना, फिर तुमको वो लड़की के साथ में तुम्हारा होगा ही, अभी भी चालू होगा, और किसी के साथ में होगा, जो रोज झगड़े चालू, रोज झगड़े चालू, वहां तक आ गया कि अभी डिवोर्स लेने की बारी आई। उसने बोलना नहीं था, बोलना नहीं चाहिए ना, जो हो गया वो हो गया, काय को बोलने का है, मगर उसने बोल दिया, हाँ अपने वाइफ को ही बोल दिया। अभी उसके प्यार प्यार में चालू रहता, ऐसा था वैसा था, मुझे लड़की अच्छी लगती थी कॉलेज में, वगैरह वगैरह ऐसा बोलते थे लोग। तो तीसरा है कि अपने सीक्रेट जो है वो कभी भी लोगों को मत बताओ, कितना भी नजदीक का होगा वो कब पलट जाएगा कुछ बोल सकते नहीं। और क्या होता है कि आपके नजदीक के लोग ही आपके सीक्रेट जो है वो बाहर देते हैं, है ना। या अभी ये जो चालू है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, इधर की चिकल फेंक उधर करना, उधर का चिकल उधर फेंकना, रोज आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं, वो जो एनसीबी का जो है उसके ऊपर चालू है, तो मंत्री महोदय कुछ तो भी कर रहे हैं, इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती। उनको इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास में जो पहले लोग रहते हैं जिनको तुमने दुखाया, वो लोग या उनको वो पटाते, वहां से इन्फॉर्मेशन निकालते पैसे देके, जो आपके आसपास में लोग है ना वो इन्फॉर्मेशन देते। अरे यार चार्जिंग लाओ, ठीक है ना, एक डाना लगे, एक मिनट ना मैं चार्जिंग लगाता हूं। यस, तो ये जो चालू है ना डिप्रेशन को कैसे दूर करे, ये जो आप पूछ रहे हैं मुझे, अभी ये जो चालू है उसमें अपना मन लगाओ, इसमें मन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। yes. है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई पूछ रहा है कि डिप्रेशन को कैसे दूर करें, अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक से आपको समझ में आएगा, कोई समझ में आ रहा है तो देख लो। गुड, आपने अच्छा पॉइंट लाया। तो तीसरा मैंने बोला ये पॉइंट कि भाई अपने सीक्रेट्स लोगों को मत बताओ, इतना भी पास कर रहा तभी। नंबर चार, क्रोधी व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला, उससे भी अपने थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो क्रोध व्यक्ति जो है ना वो अपनी हैबिट यदि छोड़ता नहीं है और वो सुधरता नहीं है तो वो कब करेगा, कब तोड़ देगा, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति बहुत घमंडी रहता है। क्रोधी व्यक्ति को बहुत एप्रिसिएशन लगता है बार बार, है ना, स्वार्थी रहता है वो, बहुत ही सेल्फिश रहता है, बहुत ही उसको एप्रिसिएशन लगता है, और थोड़े भी उसके मन के खिलाफ हो गया कि एकदम वो फाड़ 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 चालू कर देता है धूमधाम। तो ऐसे जो व्यक्ति है क्रोधी व्यक्ति, उनसे भी थोड़ा अपने को बच के रहना है और थोड़ा सा दूरी रहना है, क्योंकि ये लोग कब क्या करेंगे और आपका कब उनसे निपट जाएगा तकलीफ वाला कार्यक्रम बोल नहीं सकते। मतलब आपने उनको 10 बार पहले हेल्प किया होगा, 10 बार आपने सपोर्ट किया होगा, और 1 बार आपने सपोर्ट नहीं किया तो बस इनका खलास का। एक बार भाई 10 बार पहले सपोर्ट किया है, 10 बार हेल्प किया, उसका क्या, नहीं 10 बार क्या हो जान दो गड्ढे में, एक बार अभी नहीं किया ना बस चालू उनका कार्य। yes, really... मतलब वो बहुत ही अनग्रेटफुल होते हैं, बहुत ही अनग्रेटफुल होते हैं, वो शुक्रिया नहीं देते कभी भी, और जो हुआ उसके लिए तो बिल्कुल ही देते नहीं है, उनको लगता है कि वो तो हमारा हक था। तो वो भी व्यक्तियों से हमने दूर रहना चाहिए। दीपाली, यस बोलिए दीपाली, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो दीपाली। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था जो रात को जल्दी नींद नहीं आती है, सो आपने जो बताया था वो मैंने सेम रूटीन किया, 2-3 दिन ही किया। जैसे आपने बताया था कि जैसे समुंदर है वहां से रेत आती है और फिर हम लोग वहां पे कुछ नंबर्स लिख रहे हैं 199, देन फिर से वो लहर आती है पानी की और फिर वो नंबर मिट जाता है, आफ्टर अगेन वो नंबर कंटिन्यूसली उल्टा मुझे बोलना था, सो मैंने किया और मुझे उससे बहुत मतलब अभी तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अभी इमीडिएटली सो जाती। अच्छा। और सर आई हैव अ क्वेश्चन, जब अभी आपने बताया कि जो लड़की है और लड़का है अभी जो था वो एक, तो मुझे ये पूछना है कि आप बता रहे हो कि सेक्सुअल सर्टिफिकेट लाइए, मतलब उनका सर्टिफिकेट देखिए, एलसी देखो, जो भी कुछ है,
बट हमारे जो हिंदू समाज में है बेसिकली ये अच्छा है आप जो बता रहे, बहुत अच्छा है, बट ये सर मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो ये कब चालू होगा, कब लगभग चालू होगा, बराबर क्या लगता है ये हो सकता है ना? ये अभी तो हमारे यहाँ पॉसिबल अभी तो नहीं है, अभी तो हम ऐसा कुछ मांगेंगे किसको तो बोलेंगे कि ये तो कुछ भी बात कर रहे, ऐसे होता है क्या बात, मतलब ऐसा इस तरह की लोग बात करेंगे है ना कि ऐसा कैसा, मगर ये होना तो चाहिए आइडियली, आइडियली होना चाहिए, आइडियली उसको एचआईवी है क्या, एचआईवी है ना, एचआईवी है मालूम नहीं उसको, गुप्त रोग हुआ है क्या मालूम नहीं, किसको भी मतलब लड़का लड़की किसको भी है, मगर लोग देखते हैं आजकल, आजकल लोग देखते हैं ऐसा देखते हैं। अभी मेरे पास में एक ये आ गए, मतलब एक लड़की के पिताजी आ गए, बोले कि हमने एक लड़का देखा है, लड़का बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, मगर लड़के के मदर को डिप्रेशन है, तो आपका क्या कहना है? लड़की के मदर, लड़के के मदर को डिप्रेशन है तो ये घर में हमने लड़की देना क्या, मतलब इतना लोग देखते हैं आजकल है ना, कि मदर को डिप्रेशन है वे तभी भी देना के लिए देना, तो मैंने बोला कि और एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ तो मैंने ये बोला उनको कि देखो आपके लिए चॉइस होगा, चॉइस है भाई, दो चार लड़के और लाइन में है अपने पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ मत जाओ, क्यों जाते यहाँ नहीं क्या मालूम है, नहीं बोले वैसा लड़का अच्छा है सर, मतलब देखो आपके मन में डाउट आया करके तो आप मेरे पास में आए, मतलब आपके तो भी किंतु परंतु है दिमाग में, इसलिए तो आए, 1% भी तो फिर क्यों देते हैं। यदि ऐसा है कि अभी कोई लड़की की शादी हो ही नहीं रही है, बिल्कुल अभी शादी नहीं हो रही, सब थक गए, अभी आखिरी का है, करता फिर जो होगा देख ली, होगा कि नहीं होगा, लड़के को डिप्रेशन, तो चार में से मतलब चार बच्चे हैं वो माँ को, तो चार में से एक बच्चे को हो सकता है, 25% चांसेस, यदि डिप्रेशन है क्लासिकल डिप्रेशन, चार में से एक है ना, तो फिर उन्होंने नहीं किया रिश्ता, तो ये लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि देखते नहीं। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी एक्चुअली सर अभी जो आपने बताया कि सीक्रेट आपको किसी से शेयर नहीं करना है, बट व्हाई कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, ये मुझसे नहीं होता है, मतलब मैं नहीं रख पाती हूँ मेरे मन में, वो सब इमीडिएटली निकल जाता है, बहुत ट्राई करती हूँ, तो वो कैसे रखना है हमें, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी मुझे किसी से नहीं शेयर करा है, अभी बस ये मेरे मेरे में रहेगा और किसी से नहीं, तब तक सात आठ जन्म में वो सब शेयरिंग हो जाता है। आईने के सामने खड़े रहो और आईने के सामने खड़े रह के जो आईने में देखते हैं वो व्यक्ति को बताओ। ओके 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 या आई विल ट्राई, थैंक यू सो मच। यस यस, और ये रोनी रूल इस्लाम, बोलो भाई रोनी रूल इस्लाम, अनम्यूट करो रोनी रूल, नहीं हो रहा है। अनिल कुमार निषाद, यस बोलो अनिल कुमार, अनिल कुमार निषाद जी सर, हाँ बोलो, हेलो बोलिए सर, थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए बात करना चाहते थे। हाँ लैंगिक प्रॉब्लम, नहीं अभी लैंगिक प्रॉब्लम का अभी मत करो, वो सेक्स वेबिनार में करेंगे अपन, मैं आपको नंबर देता हूँ, वो नंबर आप नंबर दे दो पंकज, वो नंबर के ऊपर आप कॉल करो है ना, वो आपको मेरा टाइम देंगे, ठीक है बाद में बात करेंगे। यस हाँ जी प्रवीण वर्मा जी बोलिए, प्रवीण वर्मा जी हेलो सर, जैसा अभी आपने बताया कि पहले जमाने में ना लोग मामकूड़ देखते थे, मामकूड़ उधर है क्या, कुछ ऐसा कुछ है क्या वगैरह, और सब चौकसी करते थे पहले के लोग भी, जैसे मामकूड़ देखते थे, एक गोत्र में नहीं करते थे, एक गोत्र में करने से कुछ जीन की प्रॉब्लम आते हैं वगैरह वगैरह, तो सर अभी भी मतलब वो चीज तो अभी भी मतलब लागू होती है, अभी भी देखते हैं लोग
और सर मेरी माता जी एक बात बताती है, जैसा अभी दीपाली ने बताया कि भाई वो कोई सीक्रेट नहीं रख सकती मन में, तो मेरी माता जी भी ये बोलती है कि भाई आपको किसी को नहीं बताना है, आप अपने देवारा देवारा जाऊं देवाला सांगा क्यों मंदिर में जाके भगवान को बोल दो आपको जो भी बोलना है सीक्रेट, और कभी भी किसी अनजाने को या किसी किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बताना है। ये बात तो एकदम सही है सर, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई अभी सबके लिए। धन्यवाद। यस दीपक मधेपुरा, बोलो दीपक मधेपुरा, दीपक मधेपुरा कर करना, दीपक मधेपुरा आपका अनम्यूट का प्रॉब्लम भेजा है। यस आपका वीडियो चालू करो। जी सर। हाँ जी सर, डिप्रेशन कैसे दूर करें? हाँ डिप्रेशन तो उसके लिए अभी फिर पंकज अंबोरे आपको उनका नंबर देते हैं पंकज, ठीक है? तो उस नंबर पे कॉल करो, मेरा अलग से अपॉइंटमेंट ले लो, फिर मैं बात करूंगा, है ना? अभी आपको जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें से आपको जो भी समझ में आ रहा है अपने डिप्रेशन के लिए वो समझ लो, ठीक है ना? अभी अपन स्पेशल स्पेसिफिक इलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके अलग अलग सेमिनार में होते रहते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेस के बारे में, तनाव है ना, जो बात से तनाव आ सकता है अपने को, वो बातें हम बात कर रहे हैं, ठीक है? रियलमी किसका है? यशवर्धन, यशवर्धन अनम्यूट करो अपने आपको। यशवर्धन कौन सा है? अनम्यूट करो। रियलमी C2, हाँ बोलो। हेलो, मोबाइल है ना, मोबाइल ऐसा सामने करो, सामने आंखों के सामने करो मोबाइल। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, समोर का समोर ऐसा सामने करो मोबाइल। हाँ ऐसा बोलिए, बोलिए जी। ये सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ना, मैंने अभी, मुझे हमेशा क्या है ना कि हमेशा ही मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इवन कहते हैं ना सभी लोग कि आप काम में बिजी रहिए, काम में, एक तो मैं काम को प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाती हूँ, और काम में बिजी होने के बावजूद भी ये सब बहुत मतलब चलता ही रहता है, और सभी को लगता है मैं करना नहीं चाहती, ऐसे टाल मटोल कर रही हूँ, बच्चे भी इन सबसे इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि, और मेमोरी पे इतना इफेक्ट पड़ा है कि मैं इजिली बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजें सब भूल जाती हूँ, कंसंट्रेट ही नहीं होता माइंड मेरा एक जगह। राइट, तो अभी आपका कहना यह है कि बहुत ज्यादा विचार आते रहते हैं, है ना? कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा विचार आते रहते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो मैं जैसा आज सवेरे भी बोला कि मेरे पास में जो भी लोग ऐसे आते हैं कि जिनको बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है ना, उनको मैं बोलता हूँ कि एक भी गोली मत लो। जैसा डिप्रेशन के बारे में अभी किसी ने पूछा, आपको भी बता रहा हूं मैं, एक भी गोली मत लो। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि भाई मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, है ना? मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, लोगों को क्या दे सकती हूँ, लोगों के जीवन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वो करना चालू करो, लोगों को देना चालू करो। ये आखिरी का पॉइंट मैं बता रहा था, आपकी इसमें आ गया, लोगों को देना चालू करना है। और आप क्या क्या दे सकते हैं? आप लोगों को बहुत सारा दे सकते हैं। लोगों को आप पैसा दे सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो लोगों को आप टाइम दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, समय नहीं आपके पास में है तो लोगों को प्यार दे सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं, मतलब लोगों को कान दे सकते हैं। बहुत लोगों को सिर्फ सुन लिया ना, बहुत लोगों को सिर्फ सुन लिया तो उनको अच्छा लगता है, वे अपने को सुन लिया, अपने को किसने से समझ लिया, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कान दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, गुलाब का फूल दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं वो देना चालू करो आज। और लोगों का ख्याल करो, अपने आप को भूल जाओ, ये मंत्र रखो अपने दिमाग में, अपने आप को भूल जाओ और लोगों का ख्याल करना चालू करो, आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा। अपने आप को भूल जाओ और लोगों के बारे में सोचना चालू करो। सर एक्चुअल में मेरा जो बेसिक नेचर मेरा यही है, मैं हमेशा, मेरी बल्कि इवन मेरी डांट भी पड़ती है, तो मैं बहुत समाज सेवा का शौक है मुझे, दूसरों का काम करके बहुत अच्छा, और अब मैं काम को भी प्रॉपर तरीके से, जैसे कि परचेज करने जाना कुछ भी, तो प्रॉपर तरह से जैसे मोल भाव करके हर चीजों को लेना। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे अपने आप में ये लगता रहता है कि मुझे बहुत
डिप्रेशन है मुझे एक ये दिमाग से मेरे ये चीज नहीं निकल पाती कभी भी कि मैं और लोगों से इस टाइम में कॉमन नहीं हूँ इसलिए सभी मुझे मेरे साथ कॉमन बिहेव नहीं कर रहे हैं। नहीं कुछ अभी सब छोड़ दो ये सब स्टोरी छोड़ दो अपने पास में कम समय है इसलिए थोड़ा समय आपको ये कर रहा हूँ। ये सब अपने बारे में जो स्टोरीज है कि मैं कमजोर हूँ मैं कम हूँ मेरे में कमियां हैं है ना मैं अच्छी नहीं हूँ मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ ये सब जो अपनी कहानियां हैं ये कहानियां सब उसको लपेटो एक कागज में और वो कागज अपने घर के पीछे में बावड़ी होंगी या नदी होंगी तो उसमें जाके डाल है ना सब बंद करो ये स्टोरीज अपने बारे में कि मैं ऐसा है मेरा वैसा है मेरा वैसा छोड़ दो कुछ भी नहीं है आप जो है वो होल कंप्लीट और परफेक्ट है आप में कुछ भी कमी नहीं है आप होल कंप्लीट और परफेक्ट है कुछ भी कमियां आप में नहीं है ये दिमाग से निकाल डालो कि मेरे में कुछ कमियां आएगा कुछ भी नहीं एकदम परफेक्ट है आप तो अपने आप को भूल जाओ लोगों के ऊपर ख्याल देना चालू करो देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसा आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगना चालू हो जाएगा आप एक भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। तो और एक मैं पॉइंट बताता हूं कि जो लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं जो लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जो लोग बहुत ही सेल्फिश है बहुत सेल्फिश है और वो कहां मालूम पड़ता है हमको जब वो पैसे का व्यवहार करते हैं ना तो मालूम पड़ जाता है पैसे के व्यवहार में। तो जो लोग बहुत ही सेल्फिश है बहुत ही स्वार्थी है उनसे आपने दूर रहना चाहिए और वो लोग जो है वो आपको कभी भी कहीं भी धोखा दे सकते हैं या प्रॉब्लम कर सकते अभी उनसे फिर बच्चे कौन से लोग सब ये लोग अपने निकाल देंगे तो बच्चे कौन से। तो ठीक है अपने को तो व्यवहार तो करना ही है लोगों से तो हम एबंडेंस में सवेरे सीखती है कि उनमें अच्छाई देखो अच्छाई देखेंगे तो उनमें बदल होते जाएगा धीरे 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 आराम से और अपने को मालूम रहा सतर्क रहे हम इन्हें हमको मालूम है सतर्क रहे तो फिर वो हिसाब से हम बर्ताव कर सकते हैं हमारा मालूम ही नहीं है तो एक आधी बार अपने को धोखा हो सकता है इसलिए हरदम सतर्क रहना है ठीक है ना। ये जो बातें बता रहा हूं मैं ये चाणक्य नीति से सब बातें है चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य जी है ना चाणक्य नीति बहुत फेमस है उसमें कुछ कुछ उनके जो श्लोक है उनका अनुवाद आप पढ़िएगा हिंदी का अनुवाद तो इसमें आपको काफी सारी बातें मिल जाएगी राइट। तो फिर आपको किसने किसके पास में ये करना है किसके पास में आपने अपना ये करना है मतलब फ्रेंडशिप करना है दोस्ताना करना है तो जो लोग एकदम ऑनेस्ट है ट्रूथफुल है उनके साथ में आप बर्ताव कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट है अंदर बाहर एक ही है कोई छुपाते नहीं है उनकी किताब खुली किताब है उनका जीवन मतलब खुली किताब है कोई छुपाते नहीं हो शांत है बिल्कुल शांत है स्वार्थी नहीं है आपका भी विचार करते तुम भी जीतना चाहिए वो भी जीतना चाहिए है ना मतलब आप भी जीतेंगे मैं भी जीतूंगा विन विन सिचुएशन करते हैं खरे सीधा खरा बोलते हो कोई झूठ नहीं काम करते अच्छे मार्क से पैसा कमाते है ना। यशवर्धन क्या लिख रहे हैं यशवर्धन आपको बोलना है कुछ अच्छा ओके। तो जो स्वार्थी है जो बहुत क्रोधी व्यक्ति है ना जिनका चरित्र बराबर नहीं है मतलब जिनका चरित्र अच्छा है तो वो लोगों के साथ में हमने संपर्क रखना चाहिए ताकि हमारा वहां धोखा कम होगा धोखा होने का चांसेस बहुत कम है। तो ये जो मैंने बोला इसमें से कुछ किसको ये करना है तो मोक्षा मोक्षा बम यस आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं बोलिए मोक्षा बम
अनम्यूट करो, आपका वीडियो चालू करो और बोलो। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि आपका नाम क्या है, नाम मोक्षा है क्या? प्रियंका, प्रियंका मेरी बेटी का नाम है सर, मोक्षा। अच्छा प्रियंका क्या नाम? प्रियंका बम। हाँ बम। प्रियंका बम। अच्छा कहाँ से आप? पुणे। पुणे ओके बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि लोगों से सतर्क रहना चाहिए या फिर पता है कि ये लोग धोखा देते हैं तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, बट जब अगर घर में ही रिलेशन में ही ऐसे होता है तो वो भी क्लोज है तो पता है पर कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ कर सकते नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? आप खुल के बात करेंगे तो चर्चा हो सकती है ना? बराबर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि खुल के नहीं हो सकता, मतलब कि नॉनसेंस टॉलरेट करना कि नहीं करना और नॉनसेंस कितना टॉलरेट करना कोई व्यक्ति का, वो आपके ऊपर है। मैं इतने मोघम बोल सकता हूँ, मतलब ब्रॉड ब्रॉड मोटा मोटा हिसाब, कि कोई भी व्यक्ति कोई व्यक्ति को सहन क्यों करता है, है ना? कोई भी व्यक्ति कोई व्यक्ति को सहन क्यों करता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो मुझे नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा फायदे हो रहे हैं और इसलिए फिर वो सहन करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नुकसान ज्यादा है और फायदे कम है तो सहन नहीं करते, है ना? हमारे यहाँ जो मेड सर्वेंट है वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, कैसे पैसे मिले एक तारीख को तो घर ले जाएंगे पैसे, तो वो छीन लेगा पैसे, जाके शराब पिएगा, मार ठोक करेगा। हाँ। फिर मैं क्यों रहती है, फिर इतना सब रोज रोती है क्यों रहती है, तो फायदे ज्यादा है ऐसा उसको लगता है, साथ में रहने के साथ में फायदे ज्यादा है तो फिर रहती है वो, अड़ानी है मगर फायदे ज्यादा है। उसको लगता है कि चलो अपने को एक टीका लगाया हुआ है, कुमकुम लगाया हुआ है, कुमकुम तो लोगों की नजर जाती है। फायदा फायदा कुछ है नहीं है वो तो नहीं पता, बट अगर सामने वाला बोल रहा है कि कुछ भी हो मैं तुमको छोड़ नहीं सकती, मतलब इन शॉर्ट बोलू तो, डायरेक्टली बोलू तो मेरी मदर इन लॉ, मतलब पता है कि मुंह पे एक बोलते हैं और जब बोलने का टाइम आता है तो दूसरों के सामने हमारी बुराई करते, तो अगर पता है कि वो गलत बोल रहा है फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, उनको तीन बेटे हैं हम सबसे छोटे, तो बोलते कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगी, तुम लोग मारो ठोको कुछ भी करो बट तुम्हारे सिवा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो अगर पता है सब फिर भी हाँ वो बोल रहे हैं उनकी एज हो चुकी है तो वो अगर ऐसे बोल रहे तो हम लोगों को लगता है कि ठीक है चलो छोड़ दो फिर उनको, है ना? अपन क्या करते ऐसे बात कि छोड़ देते, चलो जान दो, एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसके बोलने को कोई वैल्यू नहीं है, लोगों के मालूम है कि इनके बोलने को वैल्यू नहीं है। अब वैसे है क्या? नहीं। आप वैसे है क्या जो बोलती है, वैसे है क्या आप? नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपने भी कौन सा पहना है, ये काले रंग का पहना है क्या सूट? नहीं नेवी ब्लू साड़ी। नेवी ब्लू साड़ी है। हाँ अभी मैंने बोला कि आपका नाम क्या, मोक्षा, क्या नाम आपने बताया? प्रियंका। प्रियंका 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 तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, लाल रंग की साड़ी क्यों पहनी है? नहीं पहनी। नहीं तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। क्यों? मुझे पता है मैंने नहीं पहनी है। नहीं पहनी है अगर बोले अरे फालतू बोल रहा है कुछ तो भी दिमाग खराब हो गया कि जैसे वो दीपावली नहीं आपको समझ में आ रहा है? आया समझ में सर कि मैं आपको बोला कि लाल रंग की साड़ी क्यों पहनी, लेकिन कुछ भी बात कर रहे, मैंने तो नेवी ब्लू साड़ी पहनी हुई, इनको दिखता नहीं है, अंधे होंगे, तो किसने कुछ बोला तो आपको लगता है क्या वो कि वैसे आप है और वैसे नहीं, नहीं। तो किसने कुछ बोला तो क्या फर्क पड़ रहा है? बराबर बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या फर्क पड़ रहा है? जिनको बोल रहे उनको भी बोल रहे, वो तो आप पुणे में रहते, अकोला में आके तो नहीं बोल रही? नहीं। वो कितने लोग हैं उनके बोलने के लिए? दो चार पांच लोग जो होंगे, कोई लोग होंगे, दो चार पांच लोग होंगे, दस लोग होंगे, और कितने लोगों के संपर्क में आते होंगे? उसका विश्व जो है वो उतना ही है, दस। हाँ। इतना बड़ा है तो वो दस लोगों को मालूम होगा अभी तक कि आप कैसी है।
और एक बात पूछना थी सर कि वही जो आ गया ना, ये समझ में आ गया क्लियर? हाँ सर। वो तो असल मालूम है कि आप कैसी है, प्रियंका कैसी, मालूम है उनको, बराबर वैसी है, वो जैसी बोल रही वैसी है तो प्रॉब्लम है, वो ऐसे नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। आपने नेवी ब्लू साड़ी पहनी हुई है, उसने चिल्ला चिल्ला के बोला कि उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है, लाल रंग की साड़ी पहनी है, बोलेंगे अरे पागल है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ पागल है बोलेंगे, वो लाल रंग की कहाँ पहनी है, नेवी ब्लू पहनी हुई। यस। और सर जैसे दीपाली ने बोला कि कोई भी बात हो तो हम लोग, मतलब मेरा भी वही प्रॉब्लम है कि मैं किसी से शेयर करे बिना नहीं रह सकती, अच्छी हो बुरी हो मैं भी नहीं मन में रख सकती, और उसी वजह से थोड़ा सा टेंशन बन जाता है। तो वो अभी बताया ना प्रवीण जी वर्मा जी ने, भाई भगवान के सामने खड़े रहो, बोलो, है ना, या आईने में जाओ, आईने के सामने शीशे में जो व्यक्ति दिख रहा है उसको बोलो, या फिर एक लेटर लिखो, लेटर लिखो, इसको लेटर लिखो जो अभी हयात नहीं है उनको, उनको लेटर लिखो और बताओ, लेटर लिख के सब ओके, है ना, और पढ़ के बताओ बाद में। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। यस, अब किसको बोलने का मौका देंगे? पंकज, अजीत कुमार, अजीत कुमार बोलिए, अजीत कुमार। हाँ जी, वीडियो। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, वीडियो चालू करो ना। हाँ जी बोलो सर। सर जैसे मैडम, पिछले वाले जो मैडम बोल रही थी, तो वैसा कुछ मेरा, हमको भी प्रॉब्लम है और साथ में हमको इस 6 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि कुछ भी काम करना चाहता हूँ सर, करता हूँ तो हमको अंदर से घबराहट और डर जैसा फीलिंग होने लगता है, पूरा शरीर शेक करने लगता है और हमको हरासमेंट टाइप का होने लगता है, जैसे कभी कभी लगता है कि सुसाइड कर ले इस टाइप का लगता है, जो मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। जैसा बोले ना, ये क्या नाम था, प्रियंका शायद कुछ नाम था जो मैं बोली, तो उसी टाइप का हमको लगता है कि ज्यादा मतलब लगता है कि सोचते रहते हैं और कभी भी काम करते बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। और अब अभी कुछ दिन हम मतलब अपना अगर पढ़ाते हैं, जैसे कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए पढ़ा रहते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते भी हमको सेफ टाइप घबराहट और अभी। हाँ मुझे समझ में आ गया आपका कहना। अभी आप क्या करो कि हमारा हर शनिवार को ये प्रोग्राम होगा, शनिवार को 8:15 बजे, है ना, 8:15 बजे होगा ये प्रोग्राम, तो आप आते जाओ आते जाओ आते जाओ, जैसे आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ खुलते जाएगा, है ना, अपने बारे में खुलते जाएगा, लोग शेयर करते हैं तो उसमें से आपको पता चलेगा। और हमारे कुछ लीडर्स है, अभी हमने क्या किया है कि हमने गुरुवार को एक प्रोग्राम लिया, उसमें हमने लीडरशिप का प्रोग्राम चालू किया, तो मेरे साथ में करीब करीब उस दिन 9 या 10 लोग थे कि जो लीडरशिप लेने को तैयार है, ताकि वो बीच में किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ रोज 400 फोन आते, तो मैं हर एक का फोन ले सकता नहीं, हर एक से बात नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे प्रवीण जी वर्मा है, नैना है, सुनीता चौधरी है, काफी लोग है कि जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो उस दिन नहीं, सुनीता जी अग्रवाल है, तो इनके नंबर भी हम देंगे आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। गूगल फॉर्म में अभी डाल रहा हूँ, तो जिनको जिनको स्ट्रेस फ्री इंडिया लीडरशिप में आने का है, उन्होंने आइएगा, उनको हर गुरुवार को हम एक लेक्चर लेंगे लीडरशिप के लिए, उनको एज ए लीडर ट्रेन करेंगे, है ना, एज ए लीडर उनको ट्रेन करेंगे, तो उन्होंने लीडरशिप का फॉर्म अभी दिया है चैट बॉक्स में, वो भर के दो, या ग्रुप में भी डाल दो आप, है ना, लीडरशिप का फॉर्म, तो वो भर के देंगे तो हम आपको वो भी ट्रेन करेंगे, और बाद में शनिवार को मैं लेते जाऊंगा घंटे का क्लास, तो उसमें जो भी हम चर्चा करते जाएंगे आपको जो भी मिलेगा वो आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारा रोज सुबह मैजिक का क्लास होता है, जादू अपने जीवन में कैसे लाना, वो मैजिक के क्लास में भी आप आ सकते हो, और
वो जादू करेंगे आपके लाइफ में। सुबह 6:30 बजे कल मैं आऊंगा आपको मिलने के लिए, 6:30 बजे, और कल आपको जो भी आपकी विश है, इच्छा है, तो इच्छा है कैसी लाना वास्तव में, उसके बारे में कल हम बात करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है फ्री वेबिनार, तो वो वेबिनार का जूम भी दिया हुआ है, मतलब लिंक भी दिया हुआ है। और आपका हाथ ऊपर है, अजीत बोलिए। हाँ अजीत बोलो, अनम्यूट करो अजीत। सर एक क्वेश्चन यही सर पूछ रहे थे। हाँ सर, इसको दूर कैसे करना है? और सर बोले कि कुछ घटना ऐसा हम देख लिए जो मेरे पड़ोस वगैरह में हो गया, तो उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं सर। लगता है कि हम, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, तो यही सब मतलब दिमाग में हम सब कितना भूलना चाहते हैं, कितना काम इसके लिए करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लेकिन काम भी कर रहे हैं, दिमाग वहीं जाता है ना, जिसके कारण आपको बोले कि बहुत सारा फियरनेस होता है। ठीक है ठीक है, अभी उसके साथ में आप रहो, कल सवेरे आ जाओ, ठीक है। वो जादू के प्रोग्राम कितना बजे सर? कल 6:30 बजे इसी पर जूम में आना है सर, इसी में जूम में आने का है, और यही लिंक है, यही लिंक है, मगर आपको नहीं, ये लिंक नहीं है, लिंक अलग है, सॉरी लिंक अलग है, लिंक डाल दिया है। तो कल का जो टॉपिक है वो है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, ये लिंक नहीं, अलग लिंक है, 6:30 बजे की लिंक अलग है, लिंक में आइएगा, ठीक है ना। कल मैं लीड करने वाला हूँ, आप आ जाइएगा, ज्यादा से लोगों को लिंक शेयर करो, ज्वाइन करेंगे सर, अपने दोस्तों को लाओ, कल सुबह 6:30 बजे अपने दोस्तों को भी लाओ, है ना, यूट्यूब पे भी डाल दो लिंक। इसमें कुछ हमको कुछ बताइए सर, सर क्या बोले? हाँ सर, इसमें ऐसे उभरने के लिए कुछ तो बताइए सर कि कैसे। हाँ, जो इसे हम उभर कर अपना, इसके चलते बहुत बड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है सर, हम कुछ कर नहीं पा रहे, और स्ट्रेस बढ़ जा। हाँ अभी क्या करो, अभी कल आ जाओ, पहले मैंने आपको बताया कल आ जाओ, ठीक है। दूसरा, आपने अभी योगासन चालू करो, उसमें शवासन करने हैं, शवासन। और तीसरा, मेरे YouTube के ऊपर हिप्नोटिज्म के मेरे वीडियोस है काफी सारे, सेल्फ हिप्नोसिस के वीडियो है, हिप्नोटिज्म YouTube के ऊपर, सेल्फ हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म है ना, YouTube के ऊपर वीडियोस है। तो मेरा नाम डालो डॉक्टर दीपक केळकर हिप्नोटिज्म, ऐसा डालो हिप्नोटिज्म, तो आपको मेरे सारे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियो सुन लो, और कल सुबह आएंगे तो मेरा ऑडियो भी आपको मिलेगा रिलैक्सेशन का, सुबह वो भी सुनो, कल का वीडियो ऑडियो का, सॉरी कल का ऑडियो पहले मिलेगा। तो आप यदि जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं 6:15 बजे, तो आपको रिलैक्सेशन का ऑडियो भी सुनने मिलेगा। 6:30 बजे सेशन चालू होगा, 7:30 तक सेशन है, 7:30 से 8 बजे तक क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि एक तो आप कल आ जाओ, फिर मेरे हिप्नोडर्म के वीडियोस देखो, और शवासन चालू करो, शवासन, ठीक है। क्या होता है शवासन से? मेरा देखो वीडियो आप, अभी है ना टाइम अपने पास में बहुत कम है, अभी मैं बोल नहीं सकूंगा, मेरे वीडियोस आप देख लो, यूट्यूब पर मेरा सब्सक्राइब करो, थोड़ा ये बताइए कर दिए सर, शवासन क्या होता है ये बताइए। आप उसमें देखो, आपको डिटेल में आप सुनो, 10-15 मिनट का वो पूरा प्रक्रिया है ना, 10-15 की प्रक्रिया, वो पूरी सुनो आप, अलग अलग हिप्नोटिज्म के वीडियो है, कॉन्फिडेंस के वीडियो है ना, हिप्नोटिज्म के सब सुनो, जितने भी आपको मिलते हैं वहां सब सुन लो, ठीक है। तो सर ये सर दिमाग में बार बार आता है कि जब इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो और दूसरा, और एक बताता हूँ मैं आपको, साइकेट्री के पास मिल लेते, और एक बताता हूँ मैं, एंग्जाइटी, मेरा वीडियो जो है ना एंग्जाइटी के बारे में, एक और एक वीडियो है मेरा यूट्यूब के ऊपर, एंग्जाइटी डॉक्टर दीपक केळकर एंग्जाइटी चिंता रोग, ये भी डालो, तो उसमें आपको सब मालूम पड़ेगा क्या क्या करना है, सब इलाज मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी बोलना मुश्किल है, अभी हमारा समय खत्म होते आ रहा है ना।